जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज दी हांडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। आज हम आपके साथ जो है पाए की रेसिपी शेयर करेंगे। मटन के पाए हैं जो कि हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ जो है बहुत ही जल्दी हमने बनाए हैं। प्रेशर कुकर हम इनको पकाने के लिए यूज़ करेंगे ताकि ये जो है हमारे पाए झटपट से तैयार हो जाएँ। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जी यहाँ पर जो है हमने 8 अदद जो हैं मटन के पाए लिए थे, इन्हें हमने अच्छी तरह आटा लगा के धो के रख दिया है। और जी यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच जो है हमने नमक का लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने कुटा भुना जीरे का लिया है, और हमने 1/2 चम्मच हल्दी का लिया है, 1/2 चम्मच जो है हमने लहसुन और अदरक के पाउडर का लिया है। तो जी ये जो धुले हुए हमारे हैं पाए, इन्हें हमने जैसा कि आपको बताया है कि बहुत अच्छी तरह हमने इन्हें आटा लगा के धो लिए थे ताकि इनके बाल वगैरह जो है वो सारे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। तो जी अब हमने उसे जो है प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है, और हम इसके अंदर जो है तकरीबन जो है हमने 1 कप जो है हम इसका ऑयल का यूज़ करेंगे। तो जी पहले हम इन्हें ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए इन्होंने जो है जाते ही थोड़ा सा इनका पानी आ गया है पायों का, जैसे ही हमने इस चूल्हे के ऊपर रखा है। अब हमने इसके अंदर 1 कप जो है ऑयल का यूज़ कर दिया है, और इसके साथ ही जो हमारे पास जितने भी हमने अपने आप को स्पाइसेस बताए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ हमने इन्हें बनाया है। इतने मसाले हर वक्त घर में आराम से मौजूद होते हैं। और जी अब हम इन्हें जो हमने स्पाइसेस लिए थे उनके साथ में हम इन्हें थोड़ी देर के लिए जो है अच्छा सा भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर जो है 7-8 जो है मिर्च सब्ज़ डाल देंगे। इस मिर्च डालने से जो है इनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा, और जो पायों में से एक अजीब सी स्मेल सी आती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। और यहाँ पर हम जो है इसके अंदर तकरीबन 4 ग्लास जो है हम इसके अंदर पानी के ऐड कर देंगे। नीम गर्म पानी है, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं जब भी आप कुकिंग कर रहे हो तो आपने हमेशा नीम गर्म पानी ही यूज़ करना है। ये देखिए थोड़े से पकने शुरू हो गए हैं, और हमने अब जो है 2 दरमियाने साइज़ के जो प्याज थे उन्हें हमने ब्राउन करके रखा हुआ है। तो वो अब हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे। बिल्कुल इस पॉइंट पे आके ऐड कीजिएगा, आपके जो है पायों का कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए जो है 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह खुला थोड़ी देर बनाएंगे, और उसके बाद जो है हमने इन्हें जो है प्रेशर कुकर में तकरीबन हम इसे 20 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 20 मिनट के बाद खोलेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गल गए होंगे। जी यहाँ पर हमने इसे 20 मिनट का प्रेशर लगा दिया है, और जी ये देखिए अब हमने आँच हल्की की हुई थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, और 20 मिनट के बाद हमने खोला है तो हमारे पाए जो हैं बड़े अच्छे से जो हैं गल गए हैं और ये रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपके ये जो पाए हैं बड़े झटपट से बन जाएंगे। ईद पे बनाइएगा, आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।